मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी जिले के पोहरी क्षेत्र में पहुंचे। यहां पिछले दिनों आई बाढ़ से प्रभावित गांवों में हाल का जायजा लिया। उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस से भाजपा में आए पोहरी विधायक और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने दिग्विजय सिंह पर बाढ़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये अब क्या करने आए हैं, तब क्यों नहीं आए जब लोग बाढ़ में फंसे थे। कांग्रेस को सिर्फ दिखावा करना आता है, ये तो अपनी सरकार को भी नहीं संभाल पाए, ये तो सिर्फ जनता को भड़काने आए हैं। बिल्कुल, मंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का दौरा है, मेरी पौड़ी में है, लेकिन मेरे को अभी खबर मिली है कि वो रेस्ट हाउस में लोगों से मिलके और निकल के जा रहे हैं, तो रेस्ट हाउस में मीटिंग ले रहे हैं। अब इनके पास कुछ मुद्दा उद्दा तो बचा नहीं है। आपने दो दिन देखा, इन लोगों ने विधानसभा सत्र को नहीं चलने दिया, जिसमें हमारा करोड़ों रुपए पर डे का नुकसान हुआ। विधानसभा चलती तो कहीं ना कहीं हम लोगों की सुनवाई होती, हम लोगों के काम होते, कई लोगों के काम निपटते। वो चाहे जो विधायक बन के आए वो ये आशा लगाते रहते हैं कब विधानसभा चले, कब हम अपना प्रश्न लगाएं और जब हम उत्तर मिलेगा और उनके कुछ काम होंगे। लेकिन इन्होंने इतना उदम किया कि इन्होंने विधानसभा नीचे नहीं दी। अब वहाँ से इन्होंने गाँव की ओर कूच कर गए हैं। यदि दिग्विजय सिंह की इतनी चिंता थी तो सरकार ही क्यों जाती, अपनी सरकार अपने घर को ही नहीं संभाल पाए तो अब क्या सोच लेके और दिग्विजय सिंह रोड रोड पर घूम रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये केवल दिखावा करते हैं, लोगों को भड़काना आता है इनको। अब तो हम समाजों को बांटने का काम ये लोग करने लगे। पिछड़े वर्ग को अलग कर दो, सामान्य को अलग कर दो, आदिवासी को अलग कर दो, हरजनों को अलग कर दो, सारे समाजों को बांटने का काम ये कांग्रेस कर रही है। ये केवल फॉर्मेलिटी करने आए हैं, इन पर कुछ नहीं है। सारी व्यवस्था इस मध्य प्रदेश का लोग, प्रिय मुख्यमंत्री बहुत चिंतित है और 20 घंटे वो व्यक्ति काम कर रहा है। हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमद महाराज ज्योतिराव सिंधिया जी एक एक पल की खबर उस टाइम रखी जब बाढ़ क्षेत्र थी। उस टाइम ये कांग्रेस निकल के नहीं आया, तब गए, तब भाजपा का एक एक कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति के घर गए, ये लोग नहीं गए। अब पानी निकल गया, बाढ़ निकल गई, हम सर्वे कराने लगे, पैसा देने लगे राजनीति करने के लिए, ये लोग आ गए। बीजेपी नेता की इस बात के जवाब में दिग्विजय ने कहा कि अब हम यहाँ उनको डुबोने आए हैं। अभी अभी सर सुरेश राठौड़ जी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया। किसने? सुरेश राठौड़ जी, राज्य मंत्री जी जो है, उन्होंने एक आरोप आपके ऊपर लगाया है कि दिग्विजय सिंह जी ने पूरी कांग्रेस को डुबो दिया। अब यहाँ पर क्या डुबोने के लिए आए? उन्हें डुबोने के लिए आए। पूर्व मुख्यमंत्री ने शिव कैलाश की भुट्टा पार्टी को लेकर कहा कि ये अच्छे लक्षण है। इतना ही नहीं, दिग्विजय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नहीं बख्शा। सिंधिया का मजाक उड़ाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनका तो नया नया धर्म परिवर्तन हुआ है। ये शिव कैलाश की भुट्टा पार्टी पे क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड। हाँ, मुझे भी आमंत्रित किया गया था कैलाश। एक सेकंड। ऐसा है, मुझे इस बात की खुशी है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने मध्य प्रदेश में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। क्या समझा जाए इसे? अच्छे लक्षण है। सत्ता परिवर्तन हो सकती है। किसने मना किया चर्चा करने से? सिंधिया जी ने अपने सोशल मीडिया पे लगा के जो तार तार किया उन्हें। ऐसा है भैया, नया नया धर्म परिवर्तन जो होता है ना, पूरा हो ना सर, पूरा और आगे क्या तो बता ले। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते दिनों आई बाढ़ से प्रदेश के लोग अब भी प्रभावित हैं। ऐसे में पक्ष विपक्ष के नेताओं का बाढ़ प्रभावित इलाकों में आना जाना और एक दूसरे पर कटाक्ष करना बना रहता है।